नमस्कार दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक आंसर के ऊपर। दोस्तों आज हम जानेंगे कि लोगों को खुजली क्यों चलती है और दोस्तों दांत कैसे होता है तथा हम जब कोई दूसरा गुदगुदी करता है तो हमें गुदगुदी क्यों चलती है, जबकि इसके विपरीत जब हम खुद को गुदगुदी करते हैं तो हमें गुदगुदी क्यों नहीं चलती है। दोस्तों अगर हम खुजली की बात करें तो यह कई प्रकार की होती है। दोस्तों आज मैं आपको दांत खाज और खुजली होने के कारण तथा उसको तुरंत सही करने की दवा तथा नुस्खे के बारे में बताऊंगा। अगर आपको भी दवाई लगाने पर भी खुजली सही नहीं होती है तथा दवाई लगाते टाइम सही हो जाती है तथा कुछ टाइम बाद वापस हो जाती है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों अगर हम खुजली के कारणों की बात करें तो इसका सबसे पहला कारण है अत्यधिक बाहर का खाना खाना, दूसरा कारण अपने आसपास के एरिया की सफाई नहीं रखना तथा तीसरा सबसे प्रमुख कारण अगर आपके शरीर की प्रॉपर सफाई नहीं होती है तथा साफ सुथरे कपड़े नहीं पहने जाते हैं तो इसकी समस्या बढ़ सकती है। दोस्तों एक और मुख्य कारण की बात करें तो हमारे खून में अशुद्धियां मिल जाती है जिससे जहाँ जहाँ खून रुकता है वहाँ खुजली चलने लगती है। दोस्तों कई बार चेहरे पर पिंपल हो जाते हैं तथा उनमें वाइट कलर का मवाद पड़ जाता है, वही शरीर की गंदगी होती है जिसे शरीर किसी कारण से बाहर नहीं निकाल पाता है। इसके अलावा दोस्तों खुजली शरीर के मुलायम अंगों जैसे जननांगों के बीच में, दो अंगुलियों के बीच में तथा और भी शरीर के मुलायम जगह पे खुजली चलती है तथा वहाँ पे दांत जैसे निशान हो जाते हैं। तो दोस्तों इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि अगर हम उन जगहों को प्रॉपर सफाई नहीं करते हैं तथा उस जगह पे पसीना हो जाता है तो भी वहाँ पे खुजली चल सकती है। दोस्तों अब अगर हम इनके उपायों की बात करें कि कैसे इस शरीर की गंदगी को शरीर से बाहर निकालें तो दोस्तों आपको दिन में जितना संभव हो गर्म पानी पीना चाहिए और कम से कम दिन में 6 से 7 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों शाम को सोते टाइम आपको तांबे के बर्तन के अंदर पानी भर के रख देना चाहिए तथा जब सुबह आप उठें तो उस तांबे के बर्तन के पानी को आपको पीना चाहिए। दोस्तों बिना ब्रश किए आपको वो पानी पीना है जिससे कि शरीर की जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाती है। इसके अलावा दोस्तों आपको पतंजलि की एक दिव्य कायाकल्प रोटी आती है जो कि सुबह शाम खाने से 30 मिनट पहले 40 दिन तक ली जाती है। इसकी कीमत दोस्तों 80 रुपये के आसपास होती है। यह आपके शरीर के सारे रोग दांत खाज खुजली को जड़ से ख़त्म कर देगी। इसके अलावा दोस्तों पतंजलि का एक और करेले आंवले का स्वरस भी आता है जो कि पानी के साथ में 15 से 20 ml मिलाकर सुबह पीने और दिव्य कायाकल्प की टेबलेट भी खाने से आपके शरीर की सारी खुजली की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए दोनों ही नुस्खे दिव्य कायाकल्प वटी तथा एलोवेरा का जूस आपके चेहरे के पिंपल दाग खाज खुजली तथा सभी चर्म रोग को जड़ से खत्म कर देंगे। तो दोस्तों इसके अलावा आप दिन में एक बार नीम का दातुन जरूर करें। नीम के अंदर दोस्तों एंटी फंगल होते हैं जिससे कि वो शरीर की सारी बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों आपने इन चीज़ों के अलावा किन का सेवन नहीं करना है तो आपको ऑयली फूड बिल्कुल नहीं खाना है, नॉनवेज और मसालेदार चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको ये समस्या ज़्यादा हो रही है तो आप दूध का सेवन भी बिल्कुल कम कर दीजिए। इससे दोस्तों दूध की वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता तथा शरीर की टॉक्सिसिटी बाहर नहीं निकल पाती है। तो दोस्तों इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखिए तथा चर्म रोग से आप आसानी से छुटकारा पा जाएंगे। तो दोस्तों हमने खुजली के कारण तथा उसके उपायों को बारे में जाना, अब हम जानेंगे कि गुदगुदी क्यों होती है। दोस्तों जब हमें कोई दूसरा व्यक्ति छूता है तो हमें गुदगुदी चलती है। इसका कारण है हमारे ब्रेन का हाइपोथैलेमस। जब कोई हमें गुदगुदी करता है तो हमारा ब्रेन शरीर को सेल्फ डिफेंस या स्वरक्षा के लिए एक्टिवेट करता है। दूसरे जब गुदगुदी करते हैं तो हमें हंसी आती है जिसके कारण हमारा शरीर सिकुड़ जाता है तथा हम उस जगह जहाँ गुदगुदी हो रही है उससे बचना चाहते हैं। दोस्तों गुदगुदी भी किसी के शरीर के कुछ खास हिस्सों जैसे पेट पर, पैरों के तलवों में तथा
हाथों के बगल में सबसे ज़्यादा चलती है। दोस्तों गुदगुदी मुख्यतः शरीर के उन भागों पर चलती है जहाँ हड्डियों का संपर्क बहुत कम होता है या अनुपस्थित होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अगर ऐसा रहता है तो हम खुद को गुदगुदी क्यों नहीं कर सकते। इसका कारण दोस्तों भी हमारा ब्रेन ही है। दोस्तों ब्रेन के पीछे का हिस्सा जिसे सेरिबेलम कहते हैं, वह शरीर को बताता है कि अब हम खुद ही शरीर को गुदगुदी करने वाले हैं। इसे कोई दूसरा नहीं कर रहा तथा सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत नहीं है। तो सेरिबेलम द्वारा पहले ही सिग्नल भेज देने के कारण हम खुद के द्वारा की गई गुदगुदी के लिए इतने संवेदनशील नहीं होते तथा हमें गुदगुदी नहीं चलती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना कि शरीर के अंदर गुदगुदी क्यों चलती है तथा खुजली क्यों होती है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ दोस्तों, अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह पेड़ों को काट कर कागज़ का निर्माण किया जाता है।